नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। जैसा कि आपने बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सीआईएसएफ हेडक्वार्टर मिनिस्टर का एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा, तो जी हाँ बिल्कुल आपका इंतजार हुआ ख़त्म। जैसा कि ऑफिशियली ये अपडेट आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियली अपडेट आ चुका है यहाँ पर देख सकते हैं। और ये मैंने ऑफिशियली वेबसाइट पे ओपन कर रखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पर डायरेक्टली आ सकते हैं। जैसा कि आपके सामने दिखाई पड़ा है एडमिट कार्ड फॉर पीएसटी ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, जो एडमिट कार्ड आपके निकलना है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का, वो पीएसटी के लिए निकला, ना कि आपके रिटन एग्जाम के लिए निकला। तो सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड निकलेगा वो पीएसटी के लिए एडमिट कार्ड निकलेगा। कब निकलेगा? 1/6/2019 यानी कि 1 जून 2019 को आपके एडमिट कार्ड निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज आपका 26 है, ठीक है, तो 26 है और आपके जो एडमिट कार्ड है 1 तारीख को निकलना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही निकलता है मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को एडमिट कार्ड निकाल के बताऊंगा कैसे निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बगल में बेल प्रेस जरूर करिएगा, जिससे आपको जैसे वीडियो पड़े तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उस वीडियो को देखिए और आपको हेल्प मिले निकालने में। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इसको निकालने में तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मेरा पर्सनल नंबर है, मेरा व्हाट्सअप नंबर वही भी है, आप मुझे वहाँ से कॉल मैसेज कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी तो, ठीक है। और आप कैसे इसको डाउनलोड करोगे, अपना एडमिट कार्ड कैसे निकालोगे, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाला जाएगा, पासवर्ड डाला जाएगा, फिर यहाँ पर जो कैप्चा यहाँ पर इंटर किया जाएगा, इंटर करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर दिया जाएगा। फिर आपको यदि पासवर्ड आप भूल गए हैं तो यहाँ पर आपको फॉरवर्ड पासवर्ड करके यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। तो अभी आपको फॉरवर्ड पासवर्ड नहीं करना, जब निकलना स्टार्ट होगा तब कुछ किया जाएगा। तो आपको ये अभी अपडेट है कि 1 तारीख से निकल, अब आपके एडमिट कार्ड निकले तो सबसे पहले आपको तो पता होगा कि आपका पीएचडी के लिए एडमिट कार्ड निकाले जा रहे हैं। तो पीएचडी में आपको क्या क्या होंगे, पीएचडी और डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, दोनों एक ही दिन होंगे। तो पीएचडी में क्या क्या करवाया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, तो ये टॉपिक है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। और भी टॉपिक जैसे आती है तो बीच में याद आता है तो आपको वो चीज़ें बता देंगे। तो आप वीडियो पर बने रहिए और लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपको पूरी बातें समझ में आ सकें। तो आज हमारी जो फैमिली हो गई, फैमिली आज हमारी 20,000 की हो गई है, जो कि यहाँ पर देख सकते 20,000 की हमारी फैमिली हो गई है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों का ये प्यार सपोर्ट देखकर, बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि ये हमारी फैमिली जो है आगे बढ़े, बहुत आगे जाए। और मैं एम रखता हूँ कि हमारे 1 मंथ में 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, जितने लोग भी हैं सब्सक्राइब करिए भैया, जैसे सभी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरे जो चैनल पे जो भी वीडियो पढ़ते हैं वो अच्छी वीडियो रहती है, जो भी नॉलेज वाली वीडियो रहती है, ना कोई फेक रहता है। तो आप भी सपोर्ट करिए जिससे चैनल आगे बढ़ सके और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास वीडियो पहुँच सके, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा और थैंक्स आप सभी लोगों का जितना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो चलिए आपको आगे बताते हैं वीडियो में आपका पीएचडी में क्या क्या होने वाले हैं। तो मैंने आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर मैं दिखा रहा हूँ, कुछ अलग तरीके से आपको नहीं दिखाएंगे, ऑफिशियल जो भी चीज़ें रहेंगी मैं उसी चीज़ को एक एक करके अच्छे तरीके से बताएंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा पहले से ही कि आपकी जो टोटल पोस्ट 429 पोस्ट है, जिसमें मेल के लिए 328 पोस्ट दी गई हैं, फीमेल के लिए 37 दी गई हैं और LDC के लिए आपकी 64 पोस्टें दी गई हैं। LDC का मतलब वही होता है जो पहले से इसमें कार्यरत हैं, जैसे कि चाहे GD में हो, चाहे हेड कांस्टेबल में हो, चाहे ट्रेड्समैन में हो, ठीक है, इन लोगों में से आप इसमें इनको आना चाहते हैं। तो LDC वाले विभागीय के लिए होता है और दो हम लोगों के लिए होता है, जो कि मेल फीमेल के लिए जो डायरेक्ट इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 429 पोस्टें दी गई हैं। तो आपके इसमें सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका PST और डॉक्यूमेंटेशन होगा पहले, जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे। और मैं आपको इसमें बीच में बताएंगे आपके जो सेंटर बनाए जाएंगे वो सेंटर आपके कहाँ जाएंगे, आपका जो सेंटर जाएगा कहाँ पर जाएगा, ये भी आपकी बात इसमें आती है। तो सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपके सबसे पहले, जब आपका सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले HBT होगा, जिसमें हाइट, ठीक है, हाइट वेट सब कुछ देखा जाएगा, ठीक है, हाइट देखे HBT देखे जाएगा। हाइट देखने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हाइट आपकी क्या होनी चाहिए, हाइट आपकी जनरल OBC और SC से हैं, ठीक है, तो आपकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए, और आपका चेस्ट का जो है चेस्ट वो आपका मिनिमम 77 होना चाहिए और 5 आपका फुल होना चाहिए, यानी कि 77 से 82 आपके चेस्ट होने चाहिए। और यदि आप ST कास्ट के हैं
तो आपके 162.5 सेंटीमीटर होने चाहिए, और आपके जो चेस्ट हैं 76 सेंटीमीटर से लेकर 81 सेंटीमीटर आपके चेस्ट होने चाहिए। ठीक है, यदि आप फीमेल से हैं, जनरल ओबीसी एससी से हैं, तो आपको 55 सेंटीमीटर, यदि आप एसटी कास्ट से हैं तो 150 सेंटीमीटर होने चाहिए। और आपके जो रिलेशंस वाले हैं, जैसे कि कुमाऊनी, गढ़वाली, डोगरा, मराठा, ये आते हैं, गोरखा आते हैं, जो कि किस प्रदेश से आते हैं, इन्हीं प्रदेशों को मिलेंगे, जो कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुरी, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर से आप आते हो। ठीक है, इन प्रदेशों में आते जाते हैं, इन जातियों में से आप आते हैं, इनका इनका सर्टिफिकेट, इसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपकी 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। आपकी चेस्ट में कोई छूट नहीं मिलती, बस आपकी हाइट में छूट मिलती है, जो कि 77 से लेकर 82 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। आप फीमेल से हैं तो आपको 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आपकी ये हाइट हो गई, हाइट होने के बाद आपका वेट होगा। वेट के लिए आपको एक दूसरा वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो वेट के लिए आपको एक अच्छे प्रॉपर तरीके से बताएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएंगे। तो आपका वेट अगले वीडियो में मिल जाएंगे, हाइट वेट, फिर आपको चेस्ट भी होगा, तो दो चीज़ें आपकी हो गई। ठीक है, अब हाइट वेट के लिए अब आपका डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, तो आपके इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट बताते हैं कि आपको कौन कौन से इसमें ले जाने। डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले एजुकेशनल सर्टिफिकेट ले जाना, एजुकेशनल आपकी जो शैक्षिक योग्यता थी, जिसमें आपने फॉर्म डाला रखा था, जैसे कि 10+2 पे डाल रखा था। ठीक है, यानी 12वीं पे आपने डाल रखा था, तो आप इंटर और हाई 12वीं की मार्कशीट दोनों, इंटर और हाई स्कूल की मार्कशीट दोनों ले जानी है, सनद के साथ ले जानी है। ठीक है, मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ उसकी एक एक फ़ोटो कापी ले जानी है, उन फोटो कापी के नीचे आप अपना सिग्नेचर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो जितना चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसका फोटोकॉपी भी आप साथ में करा लीजिएगा, और आपके एडमिट कार्ड निकलने भी है ना, तो आप एडमिट कार्ड निकलने के बाद दो फोटोकॉपी निकलवाएगा एडमिट कार्ड, एक एडमिट कार्ड आप घर पे रख लीजिएगा, एक एडमिट कार्ड आप वहाँ पे ले जाइए, क्योंकि मैंने इस पर ITB भी मैंने देखा कि एडमिट कार्ड के लिए बहुत प्रॉब्लम लोगों की होती है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपके एडमिट कार्ड दो करवाइएगा, कभी कभी साइट बिजी होती है तो बाद में निकलना प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो आप दो निकल, तो शैक्षिक योग्यता आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट ले जानी है, जन्म प्रमाण पत्र ले जानी, तो आपके हाई स्कूल पे वो आपके डेट ऑफ बर्थ वाला काम चल जाता है। ठीक है, अब आप SC ST OBC से हैं, तो आप इसका छूट चाहते हैं, तो आप इसका सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। किसका सर्टिफिकेट, आपके कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, कहाँ का बनवाना है, सेंट्रल का बनवाना है, आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, SC ST OBC, जनरल वालों को नहीं बनवाना है। ठीक है, और यदि आपने जैसे पहले बताया था गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, ये सब आते हैं, और आप जम्मू कश्मीर जो मैंने बताया था इनमें आते हैं, तो भी आप इसका सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। यदि आप इसको जमा नहीं कर पाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, तो आपको सम्मान कैटेगरी में रख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नीचे ले चलते हैं, शैक्षिक योग्यता आपकी हो गई थी, होने के बाद आपकी डोमिसाइल होनी चाहिए। डोमिसाइल आपकी यहाँ पर देख सकते हैं, डोमिसाइल आपके जो सबकी हो, चाहे जनरल ओबीसी एसटी एसटी सभी कैंडिडेट के लिए डोमिसाइल होनी चाहिए, आपके स्टेट की भी, जो आपके स्टेट की डोमिसाइल आपकी मान्य रहती है, तो स्टेट की आपकी इसमें मान्य रहेगी। फिर आपके इसमें एक ID प्रूफ ले जानी है, जो कि आपके DL हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे वोटर ID हो, चाहे आधार कार्ड हो, इन सब में से नहीं है, तो आप अपना जो ग्रेजुएशन का डिग्री जो होती है, डिग्री आपकी भी मान्य रहती है, तो जैसे आपने BA BSc पास कर रखा है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी पे डिग्री मिलती है, वो डिग्री भी आपके आईडी प्रूफ के लिए भी काम आ जाती है, वो भी आपके लिए वहाँ पर चल जाएगा। लेकिन चार तो किसी ना किसी एक तो आपके पास मिल ही जाएगा, तो आप उसको ले लीजिएगा। ठीक है, और फिर आपके चार फोटो का भी हमें लिखा है, 4 पासपोर्ट साइज रिसेंट, जो कि नई 6 महीने के अंदर की होगी, वो आप, ये 6 महीने के नहीं है तो आप अभी निकलवा लीजिएगा, आपके चार फोटो निकलवा लीजिएगा। ठीक है, चार फोटो कापी। फिर इन्होंने एक चीज़ और भी बताया है कि आपके बायोमेट्रिक होगी, जब वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होगा तो आपकी बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक में इसलिए करा जाते हैं कि जो आपका नेक्स्ट स्टेज आएगा, जो कि आपका रिटन एग्जाम होगा, चाहे स्किल टेस्ट होगा, तो आपकी बायोमेट्रिक आपका थंब लिया जाएगा, आप वही कैंडिडेट हैं जो आप PST और डॉक्यूमेंटेशन में आए थे कि नहीं आए थे।
तो ये ले जाना है। जो जितने भी चीज़ें मैंने बताया इनके फ़ोटो, एक एक फ़ोटो कापी आप करा लीजिएगा। कराने के बाद उन फ़ोटो कापी के नीचे अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको बातें समझ आ गई हो कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना है, तो सारी बातें इसमें आ गई। अब आपके जो सेंटर बनाए जाएंगे, सेंटर आपके जो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जोन वाइज आपके सेंटर बनाए जाते हैं, जोन जितने भी हैं। जैसे नॉर्थ जोन में, नॉर्थ जोन में चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से आप आते हैं, तो इन्हीं प्रदेशों में, यानी कि नॉर्थ जोन में आपके ही सेंटर बनाए जाते हैं, अदर जोन में आपके सेंटर नहीं बनाए जाते हैं। और आप NCR जोन से आते हैं तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कैंडिडेट का इन्हीं तीन प्रदेशों में आपके सेंटर जाएंगे, ना कि अदर सेंटर में किसी प्रदेश में। आप वेस्ट जोन से आते हैं, वेस्ट जोन में जैसे कि दमन, दीव, दादर, नागर हवेली, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र से आप आते हैं, तो इन्हीं में से आपके सेंटर बनाए जाएंगे, अन्य प्रदेश में आपके सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। सेंट्रल जोन से आप आते हैं तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आप दोनों में से, दोनों प्रदेश के कैंडिडेट का इन्हीं दोनों में आपके सेंटर बनाए जाएंगे। बिहार और झारखंड का भी इन्हीं दोनों में से बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना का आप इन्हीं में से बनाए जाएंगे, इन्हीं 5-6 प्रदेशों में से। और ये आप साउथर्न जोन से आते हैं तो अंडमान निकोबार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल से आप आते हैं, ओडिशा से आते हैं, तो आप इन्हीं 5 प्रदेशों में से आपका सेंटर बनाया जाएगा, अन्य प्रदेशों में आपका सेंटर नहीं जाएंगे। यदि आप नॉर्थ ईस्ट जोन से आते हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुरी, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा से आप आए तो इन्हीं प्रदेशों में आपके सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मेथड आप सिलेक्शन बताएगा, तो यहाँ पर देखिए हाइट बार टेस्ट मैंने बताया, HBT से मैंने बताया, तो हाइट देखी जाएगी, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखी जाएगी, फिर आपके इसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, यहाँ पर मैंने जो बताया डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर आपकी जो क्वालिफाई हो जाएंगे, आपको क्वालिफाई करके आपको घर पर भेज दिया जाएगा। तो ये बात थी जी कि आपके क्या क्या होने वाले, तो सारी बातें आपको समझ में आ गई। कोई भी चीज़ें और तो मेरे हिसाब से नहीं छूटा, बस आपको मैंने आपकी वेट क्या होनी चाहिए, तो वेट के लिए आपको एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, यानी वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। जो 50,000 का मैंने कर रखा है, 50,000 सब्सक्राइब एक महीने में होने चाहिए, तो 50,000 सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो आप 50,000 सब्सक्राइब नहीं होंगे। तो वीडियो उम्मीद है को बहुत अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।